चलिए बाबू देखिए, इसके पहले हमने पढ़ लिया था है ना, जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्या क्वालिटी होती है जिम्नोस्पर्म की, कैसे जनन करता है, कितने बड़े होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे है ना, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट और पादप जगत का सबसे बड़ा कोई भाग है तो कौन सा है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन होता है आवृत बीजी, आवृत बीजी का मतलब वे पौधे जिनका बीज आवृत का मतलब ढका हुआ हो, वे पौधे जिनका बीज ढका हुआ है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी की कैटेगरी में। अगली पहचान, कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं। देखिए आवृत बीजी का मतलब, इसके पहले आपने चार जगतों को पढ़ा, हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। अब इन चारों में कॉमन क्या था, हमने देखा थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती नहीं थी, ब्रायोफाइटा में जड़ की जगह पे क्या था, राइजाइट था, पत्ती की जगह पे क्या था, थैलस था, ठीक है। अब हम चलते हैं टेरिडोफाइटा में, तो हमने टेरिडोफाइटा में क्या देखा, तो टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती थी, ठीक है। अब चलते हैं हम जिम्नोस्पर्म में, तो इसमें जो जड़ तना पत्ती तो थी लेकिन जो उसका बीज था वो ढका हुआ नहीं था, खुला था, ठीक है। अब आगे चलते हैं किसके बारे में, देखिए हम, मैंने आपको जब थैलोफाइटा पढ़ाया था तभी मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि हम स्टेप बाय निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी, उच्च से और उच्च और उच्च और उच्च करते करते हम कहां तक पहुंच गए, आज हम पहुंचे हैं एंजियोस्पर्म तक। तो सबसे उच्च श्रेणी का पादप कोई होता है तो वो कौन होता है, एंजियोस्पर्म। ये सबसे बड़ा वर्ग, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई पाया जाता है तो वो एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं समझते हैं, क्या पहचान है एंजियोस्पर्म की, तो सबसे मुख्य कारण क्या है कि इनके जो बीज होते हैं वो ढके होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो आवृत होते हैं, ढके हुए होते हैं, साथ ही साथ केवल एंजियोस्पर्म में ही पुष्प पाए जाते हैं, और किसी भी पादप में फूल आपने पढ़ा था नहीं, आपने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा लेकिन फूल के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। फूल की बात करें तो केवल और केवल एंजियोस्पर्म, वे पौधे जिनमें फूल पाए जाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं एंजियोस्पर्म में आते हैं और इनके बीज ढके हुए होते हैं। आज हम यही जानने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म के लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से जनन करता है, ठीक है। तो बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, बात कर बताते हैं कि यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पादप जगत में सबसे ज्यादा, मान लेते हैं 100 पेड़ पाए गए होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा यानी कि 70 पेड़ लगभग किसके होंगे, एंजियोस्पर्म के होंगे। सबसे बड़ा वर्ग अगर कोई है पादप जगत का तो वो एंजियोस्पर्म है। अगली बात कर लेते हैं, इनके वास स्थान बहुत व्यापक हैं, मतलब ये लगभग सभी जगहों पर, बहुत बहुत व्यापक का मतलब बहुत दूर दूर तक फैले हुए, व्याप्त फैले हुए, उपस्थित है बहुत जगहों पर, लगभग बहुत सारी जगहों पर ये उपस्थित है, मतलब पृथ्वी के कोने कोने ये पहुंचे हैं बेचारे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी, वे पौधे जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाए उतने छोटे से लेके सबसे, पृथ्वी का सबसे बड़ा पौधा यूकेलिप्टस तक होते हैं, समझ रहे, मतलब ये एक ऐसा पौधा है जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाने वाला पौधा, क्या नाम था उसका, उल्फिया, उससे लेके यूकेलिप्टस तक के बड़े से बड़े पौधे तक के हैं, मतलब छोटे से लेके बड़े पौधे तक है, इतने छोटे हैं, इनमें इतनी विविधता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो पादप जगत के सबसे बड़े वर्ग हैं, मतलब सबसे ज्यादा पादप अगर आप देखते हैं तो वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं, और ये अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, और ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले पौधे से लेके विशालकाय यूकेलिप्टस जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर तक होती है, इतने बड़े बड़े हैं, इनमें इतनी विविधता है।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला पॉइंट, ये एक बीजपत्री, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, किस आधार पे? इनके बीज पत्रों के आधार पे, मतलब इनमें बीज कितने तरीके के बनते हैं, इनके बीज कितने भागों में डिवाइड होते हैं, इसके आधार पे इन्हें दो वर्गों में बांट दिया गया। पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है, वो हम समझते हैं। तो पहले हम समझ जाते हैं द्विबीजपत्री का। द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है? तो वह पादप जिसका बीज दो भागों में बंट जाता है, जिसका ऐसा नहीं कि तोड़ के, जबरदस्ती तोड़ के आप उसके बीज पत्र को हटाएंगे तो आप देखेंगे उसका बीज दो भागों में डिवाइड होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, मटर, चना और अरहर, जितनी भी सोयाबीन है ना, जितना भी आप देखते हैं कि नहीं सोयाबीन, ऐसे पौधे, देखो एकदम आसान भाषा में अगर याद करना है तो जितना दाल वाले पौधे हैं, जिन पौधों की क्या बन सकती हैं, दालें बन सकती हैं, वो क्या होंगे, द्विबीजपत्री, है ना। आप उड़द देखते हैं वो भी क्या है, द्विबीजपत्री। वे पौधे आसान भाषा में समझेंगे जिनके बीज दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं विभाजित, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती तोड़ तोड़ के बना देना, जो आसानी से विभाजित दिखते हैं अगर उनके बीज पत्र को हटाया जाए तो वो दो भाग में होते हैं। चने का ऊपर वाला कवर हटा देंगे तो वो दो भाग में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, आसानी से हो गया। मटर के ऊपर का जो सफेद वाला कवर है वो हटा देंगे, डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अरहर का ऊपर का कवर हटा देंगे, हो गया कि नहीं हो गया। तो वो जो दो भागों में डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं, जिनमें दो बीज पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। ठीक है, इनके कुछ लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पौधा द्विबीजपत्री है, इनमें बीज पत्र होगा, मतलब वही बीज पत्र जरूर होगा, बीज पत्र का मतलब जो बीज को ढका रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर बीज है, ये आधी अरार इधर, ऐसे कर लेते हैं आधी अरार इधर और आधी अरार इधर, अब यहां बीज से इसको करेंगे तो ये दो अरार निकल गई। ठीक है, अब देखो पत्तियां जालिकावत होती है, मैंने आपको बताया था पत्ती के बारे में जालिकावत, ये हो गई आपकी पत्ती, ठीक है, ये आपका हो गया मध्य सिरा। अब ये देखिए ऐसे पत्ती निकला, ऐसे 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 बहुत सारी पत्तियां, ऐसे ऐसे है ना, बीच में बहुत छोटी छोटी मध्य सिराएं निकली हुई हो तो उसे बोला जाता है क्या, जालिकावत। मैंने आपको बताया था इसके बारे में जब मैंने आपको पत्ती पढ़ाया था, तो है कि नहीं। तो जो देखिए द्विबीजपत्री की पहचान पत्ती को देख के कैसे बताएंगे कि इनकी पत्तियां क्या होती हैं, द्विबीजपत्री। किसी भी पौधे की पत्ती लाइए और फटाक से बता दीजिए, अगर ऐसी संरचना है तो केवल पत्ती देख के आप बता देंगे कि ये क्या है, द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, फटाक से देख के बता देंगे क्या है, एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री। दूसरा पॉइंट कैसे पहचानेंगे, पुष्प चतुष्टयी पंचतयी। पुष्प चतुष्टयी पंचतयी का मतलब आपके बचपन वाला फूल दो तीन और चार, जो ये पुष्प होते हैं उनमें जो पंखुड़ियां होती है, द्विबीजपत्री पौधा अगर है, अगर फूल से पहचानना है कि ये द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री, तो उसके फूल में पंखुड़ियां एक दो तीन चार, मतलब चार से देखिए कितनी हो सकती है, पांच। अगर पांच पंखुड़ियां हैं तो फटाक से बता देना बाबू कि ये वो क्या है, द्विबीजपत्री है। पहचान समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले ही पहचान बीज देख के बताना हो तो उसके बीज कितने होंगे, दो भागों में बटे हुए होंगे, पत्तियां कैसी होंगी, जालिकावत होंगी, मतलब एक मध्य सिरा से दूसरी मध्य सिरा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से ऐसे निकली हुई होंगी, तो वो किसकी अंतर किसके कैटेगरी में आते हैं, तो वो किसमें आते हैं, वो आते हैं बाबू किसमें, द्विबीजपत्री की कैटेगरी में आते हैं। अगला पॉइंट अगर हम समझना चाहे कि पुष्प देख के कैसे पहचाने, तो उनकी जो पंखुड़ियां जिसको हम दलपुंज बोलते हैं उनकी संख्या चार से लेके पांच होगी, अगर चार पाई गई तो चतुष्टयी और पांच पाई गई तो पंचतयी बोला जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया बाबू। अगला पॉइंट समझ लेते हैं, एक बीजपत्री की पहचान हम कैसे करेंगे, एक बीजपत्री की पहचान कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया जिस प्रकार से द्विबीजपत्री में
बीच से दो भागों में वो डिवाइड हो जाता था, मतलब जिसमें दो बीज पाए जाते थे आराम से, एक इधर और दूसरा इधर। लेकिन जो एक बीज पत्री होता है उसमें केवल और केवल एक ही बीज पाया जाता है, जिसे आप दूसरे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की बात अगर हम कर लेते हैं तो आप देख लीजिएगा, गेहूं, ठीक है, चावल तोड़ देंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, तोड़ेंगे तो जबरदस्ती छोटा बड़ा टूट जाएगा, बराबर भागों में नहीं तोड़ेंगे, मशीन से तोड़ेंगे तब वो कोई देखे फूट फाट जाएगा वो, है ना। जो प्राकृतिक रूप से आपको दो भाग में डिवाइड मिलेगा वो द्विबीजपत्री और दूसरा क्या है, एक बीजपत्री। और पहचान समझ लेते हैं, इसमें केवल एक बीजपत्र पाया जाएगा, केवल एक बीजपत्र। दूसरा, पत्ती जो होगी वो क्या होगी, समानांतर। इसके पहले द्विबीजपत्री में कैसा था, जालिकावत। समानांतर की बात कर लेते हैं तो कैसे, देखिए समानांतर कैसी होती है, ये हो गई आपकी पत्ती बाबू, ठीक है, ये हो गई आपकी पत्ती और जो इसका जालिका होगी ऐसे 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 ऐसे। गेहूं देखा है, धान देखा है, धान की पत्ती कैसी होती है, गेहूं की पत्ती ऐसे लंबी सी होती कि नहीं होती, और ऐसे पतली पतली रेखाएं होती हैं। आप जाके आज इसको देख सकते हैं, गेहूं का सीजन चल रहा है, आप आसानी से देखिए, इसमें ऐसी वाली पत्ती की संरचना नहीं होगी, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। आप देखेंगे वो समानांतर होंगी, समानांतर, एकदम समांतर 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 समांतर। बचपन वाली है आपकी पत्ती, ये वाली, ये क्या है, समानांतर, जहां से एक निकली है वहीं से दूसरी, जहां से एक वहीं से दूसरी, समानांतर। तो ये किसकी किसकी पहचान है, एक बीज पत्री की पहचान है, किसकी, एक बीज पत्री की। आप किसी भी पौधे की पत्ती देख के बता दीजिएगा। अब बताओ आम क्या है, एक बीज पत्री की द्विबीज पत्री, ऐसी होती है उसकी संरचना, तो क्या हुआ, एक बीज पत्री हुआ। समझ रहे, एकदम आसान पहचान है कि जिसको एक भाग में हम डिवाइड कर, जिसकी पत्ती एकदम समानांतर है वो एक बीज पत्री, और जिसकी पत्ती जालिकावत है वो क्या है, द्विबीज पत्री। पॉइंट समझ में आ गया, अगला पॉइंट देख लो। चलो भैया मान लेते हैं पत्ती ना मिली, फूल देख के कैसे बताएंगे, तो फूल कैसा होगा, त्रिटही होगा। त्रिटही का मतलब उसमें जो फूल की संरचना होगी वो कितनी होगी, तीन होगी। उसमें फूल जो दलपुंज होगा वो केवल केवल कितना होगा, तीन होगा। तो जिस प्रकार से चार को चतुष्टयी और पांच को पंचतयी बोला जाता था, उसी प्रकार से तीन पंखुड़ियों को हम त्रिटही के नाम से जानेंगे। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की पहचान समझ में आ गई। अब बात करते हैं कैसे जनन करता है एंजियोस्पर्म, इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे जनन करके वो अपनी संतान को बनाता है, किस प्रकार से नए पौधे की उत्पत्ति होती है, ये सारी जानकारी अब हम जानने वाले हैं। ध्यान से लगा के समझिए। देखिए आप पहले जान जाइए पुष्प क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको पुष्प के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, क्या होता है पुष्प, पुष्प का, है ना, पुष्प का जो जुड़ाव है या लगाव है सदियों से, मानव के लिए सदियों से इसका हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, कभी अपनी भावनाओं को बताने के लिए। हालांकि आज प्रपोज डे है, आज भी उस फूल का अलग महत्व चल रहा होगा, है कि नहीं, आज गुलाब का कुछ ज्यादा बिक्री होगी, है ना। तो क्या है, ये भावनाओं को कुछ, हर चीजें कही नहीं जाती, आप उठा के गुलाब थमा देंगे सामने वाला समझ जाएगा ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है, है ना। कोई एक्सपायर कर जाता है सफेद वाला फूल चढ़ा देते हैं, है कि नहीं। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर पौधे के नजरिए से देखा जाए तो पुष्प जो होता है वो पराग कण के अवतरण मंच का काम करता है, मतलब अगर जनन कहीं होता है पुष्प में, सॉरी पौधे में, तो कहां से शुरू होता है, पुष्प से शुरू होता है। पुष्प अगर नहीं होगा तो कभी भी पौधे जनन नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं पुष्प के भाग के बारे में, क्या क्या भाग है, कौन कौन से भाग है, उन भाग का क्या कार्य है। हालांकि आप चाहे मैं पूरी जानकारी आपको इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि पुष्प के भाग हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम पुष्प के भाग वाले में चले जाएंगे, क्योंकि हमें एक ही चीज बार बार नहीं दोहरानी, है ना। आप चाहे तो इसका वीडियो अवेलेबल है, आप पुष्प के भाग में जाके पुष्प वाले भाग, है ना, वीडियो में आप पुष्प पूरा देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको दी गई है किस प्रकार से जनन करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में है लेकिन बार बार एक ही चीज को हम रिपीट क्यों करें, हमें आगे भी तो पढ़ना है। चलिए हम कुछ बातें आपको बता देते हैं, पुष्प के भाग कौन से भाग क्या कार्य करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है। अब देख लो, फटाफट देख लीजिएगा, पुष्प का एकदम एक एक भाग, एकदम नीचे जहां से आप फूल पकड़ते हैं उसे बोला जाता है बाबू वृंत, उसके जस्ट ऊपर होता है पुष्पासन और उसके जस्ट ऊपर होता है वाह वाह दल और उसके जस्ट ऊपर होता है अंडाशय जिसे ओवरी भी कहा जाता है, उसके बाद होता है पूतंतु या तंतुक जिसे बोला जाता है पूतंतु, उसके ऊपर ही सिरे पे लगा होता है आपका पराग कोष, उसके उसके अंदर पाए जाते हैं पराग पराग कण, ये सबसे ऊपरी भाग कहलाता है वर्तिकाग्र और ये बीच वाला यहां से यहां तक का भाग कहलाता है वर्तिका। ये हैं आपके पुष्प के भाग। पॉइंट समझिए क्या क्या काम होता है, केवल सरसरी निगाह से समझ लीजिएगा, ज्यादा जानकारी के लिए आप पुष्प वाला वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं, देखिए यहां पे नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, पहले समझ जाएंगे। पुष्पासन अंडाशय से निकली हुई डंठल के समान संरचना पूतंतु कहलाती है, जिसके अगले सिरे पर एक द्विपालित संरचना, द्विपालित का मतलब दो भागों में बटी हुई संरचना होती है जिसे हम पराग कोष कहते हैं। इसी पराग कोष के अंदर नर युग्मकोद्भिद पराग कण बनता है, कैसे बनता है ये भी बताया जा चुका है पुष्प वाले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं, पुष्प के दो भाग, एक होता है नर भाग और दूसरा मादा भाग। अब हम पहचान लेंगे नर भाग को मादा भाग को। तो देखिए केवल ये तंतुक पराग कोष किसके अंदर आते हैं, तो नर भाग में तंतुक और पराग कोष नर होते हैं, जबकि वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय किसमें आते हैं, मादा में। वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है। अब देखिए तो समझ जाइएगा कि अंडाशय से निकली हुई, हालांकि ये पुष्पासन से निकलता है, देखने में अंडाशय लग रहा है, तो आप कह सकते हैं पुष्पासन से निकली हुई एक डंठल के समान संरचना पूतंतु कहलाती है, जिसके अगले सिरे पर एक द्विपालित संरचना होती है जिसे हम पराग कोष कहते हैं। इसी पराग कोष के अंदर पुष्प का नर युग्मकोद्भिद या पौधे का नर युग्मकोद्भिद बनता है। उसके बाद ये नर युग्मकोद्भिद बन के आप देखेंगे कि पुष्प के सबसे ऊपरी सिरे पर एक गोल संरचना होती है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, इसके नीचे एक पतली सी संरचना होती है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं और इसके जस्ट नीचे एक फूली हुई संरचना होती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर पुष्प का या पौधे का मादा युग्मकोद्भिद यानी अंडप या डिंब पाया जाता है, ठीक है। बाह्य दल की बात कर लेते हैं, तो बाह्य दल नर और मादा दोनों में पाया जाता है, पुष्पासन नर मादा दोनों में पाया जाता है, वृंत नर मादा दोनों में पाया जाता है। बाह्य दल का कलर हमेशा कैसा होता है बाबू, हरा होता है। पुष्प किसी भी कलर का हो बाह्य दल हमेशा कैसा होगा, हरा। और पुष्पासन पुष्प के बैठने की जगह, कुछ पुष्पों में ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज इस पुष्पासन के अंदर बनता है, जैसे सेब जिसे आभासी फल कहा जाता है। और वृंत वह पौधा होता है, वह भाग होता है पौधे का जो पुष्प को पौधे से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जनन कैसे करता है या फिर कैसे अगली संतान आती है वो पुष्प वाले वीडियो में दिया गया है, ज्यादा जानकारी ना लेते हो मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।